तो इस वक्त हम डर्मा डेंटल क्लिनिक में हैं, तो हम अभी डॉक्टर मंशा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मंशा। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ पर डेंटल की सारी फैसिलिटीज हैं और कॉस्मेटोलॉजी, जैसे कि आजकल एस्थेटिक्स में चीजें आती हैं लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर, केमिकल क्रीम्स, एंटी एक्ने का ट्रीटमेंट है, जैसे पिगमेंटेशन आज की स्किन में बहुत कॉमन है, हर दूसरे बच्चे को पिगमेंटेशन होती है, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। और उसके अलावा डेंटल के जितने हैं लाइक लेजर वाली फिलिंग्स होती है हमारी, कंपोजिट फिलिंग्स वो है, स्केलिंग है, एक्सट्रैक्शन है, पेरीमेंटल ट्रीटमेंट है। तो आप थोड़ा हमें अपनी यहाँ पे जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में दिखाएंगे आप? तो ये कौन सी मशीन है? जैसे कि हम आपको इसमें दिखाएंगे, ये 3 in 1 मशीन है। तो ये है बेजल फॉर हेयर रिमूवल, है ये हेयर रिमूवल के लिए होता है। लाइक इसमें आप अलग अलग पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे फेस का है, ये हमारे थाई का है, बिकनी लाइन का है, आर्म्स का, बॉडी का, और रेडिश ब्लड, जैसे कि कोई भी वेस्कुलर लीजन्स होता है तो उसका एक अलग से फिल्टर आता है, वो हम हमारे इसमें एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली जो पेशेंट की नीड होगी अल्ट्रासोनिक जेल लगा के कर लेते हैं। उसके अलावा आर एफ बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसीज में हम स्किन टाइटनिंग करते हैं। विद एज जो हमारा कोलेजन होता है वो कम हो जाता है, तो फिर कोलेजन की प्रोटेक्शन के लिए हम आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम कोई अल्ट्रासाउंड जेल लगा के या कोई नॉर्मल एलोवेरा जेल लगा के स्किन टाइटनिंग करते हैं। ये भी अलग अलग पार्ट्स के लिए आता है, जैसे फेस का आता है, थाई का आता है, नेक का आता है, आर्मपिट का आता है, बॉडी का आता है और आर्मपिट का आता है। अब जैसे कि टैटू रिमूवल, बहुत सारे लोग पहले टैटू करवाते हैं फिर उनको लगता है कि हमें रिमूव करना है, लाइक यहाँ टैटू रिमूवल का भी है, इससे हम टैटू रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रैकल्स है, मेलाज्मा है, वो भी हम कर सकते हैं, और हॉलीवुड फेशियल जो कि किम कार्दाशियन ने बहुत पॉपुलर किया था वो भी हम इससे करते हैं, वो इट इज गुड फॉर ग्रूम एंड ब्राइड टू बी। इसके अलग अलग फीचर्स हैं। ये आरएफ है हमारा, ये हमारा लेजर है, और ये हमारा क्यू स्विच लेजर है। ये जो दूसरी मशीन है आपको, ये हमारी हाइड्रोफेशियल मशीन है। हाइड्रोफेशियल की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, ये तो एक पॉपुलर टर्न बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है सॉरी। जो यह हमारा हाइड्राफेशियल है, इससे हम मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसके लिए हम ये हाइड्राफिल यूज, इसको मोस्ट कॉमनली स्किन पॉलिश बोलते हैं, और हमारे यहाँ डेंटल रिमूवल भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये एलर्जी सेंसर है, हम पेशेंट की ओरल कैविटी में डालते हैं, अकॉर्डिंगली जिस टूथ जिस कॉर्नर का एक्सरे लगाना होगा पोजिशन करके हम एक्सरे मशीन का एक्सरे वो जो देखे शूट करके एक्सरे देते हैं, और हमारे लैपटॉप पे सारा आ जाता है। आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट आल्सो, बहुत सारे पेशेंट का एक्सरे लेते हैं। ऑटोक्लेव मशीन है हमारा, जितना भी सामान होता है हम इसमें स्टेराइज कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल में मशीन, इसमें हम जितना भी हमारा सामान है इसमें स्टेराइज करते हैं। इसका भी प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल में बात करते हैं जिस मटेरियल को जितनी स्टीलाइजेशन होगी अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टिलर है, लाइक इस मशीन में और डेंटल चेयर में हम नॉर्मल वाटर यूज नहीं कर सकते, हम फिल्टर वाटर यूज करते हैं, वो सारा फिल्टर होके इसमें आता है, पहले हम इसमें पानी डालते हैं नॉर्मल टैप वाटर, वो फिल्टर होकर सारा इसमें स्टोर हो जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। ये हमारा ग्लास बीड स्टीलाइजर है, लाइक जब हम रूट कैनाल करते हैं जो हमारी फाइल्स है उनको भी स्टीलाइजेशन की जरूरत है, ऐसे सब के सी में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हम इसमें अपनी फाइल स्टीलाइज करते हैं। ये हमारा यूवी चैम्बर है, अल्ट्रा वायलेट चैम्बर, जितना भी हमारा प्री एंट्री सेट होता है जैसे लाइक जो मेरा फ्रीजर वो हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर डेंटल के लिए सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऑल डेंटल ट्रीटमेंट। तो बहुत अच्छा लगा हमें सब देख के यहाँ पे, मुझे लगता है किश्तवाड़ में ये पहली बार ऐसा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है यहाँ, मतलब आप बताएंगे इसकी लोकेशन के बारे में? ये बिहाइंड पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे खैचे हेरिटेज बहुत बात बहुत फेमस है, इस नियर खैचे। ओके तो अभी हम डेमो भी करके बताएंगे। अभी हम हाइड्राफेशियल करेंगे, हाइड्राफेशियल के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। हाइड्राफेशियल में बेसिकली आपको बताऊंगी होता क्या है। हाइड्राफेशियल एक कस्टमाइज मेडिफेशियल होता है जो हमारे स्किन के अलग अलग लीजन्स को टारगेट करता है, हमारे स्किन के जो अलग अलग कंसर्न होते हैं लाइक ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, टैन रिमूविंग, एक्नी एंड सो ऑन। इस फेशियल को हम हाइड्राफेशियल बोलते हैं, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं।
अब वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन ऑल द फाइव स्टेप्स ऑफ हाइड्राफेशियल। इसमें हम एक पहले माइल्ड सा फेस वॉश लेते हैं, जिससे हम पहले पेशेंट की स्किन क्लींस करते हैं। पेशेंट की स्किन क्लींस करने के बाद हम सक्शन के जरिए जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो हम तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पे, किस चीज का डेमो देंगे आप? अभी जैसे कि आपकी थोड़ी डल स्किन हो गई है, ठीक है, टैन हुआ है, तो हम ये टैन रिमूव करेंगे। हमें ऐसे आपका स्किन का जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं इसको हॉलो फेशियल बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसे ब्लैक डॉट फेशियल भी बोलते हैं और कार्बन पीक फेशियल भी बोलते हैं। ठीक है, हम वही करने जा रहे हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी इसका प्रोसीजर क्या है, देन आई विल शो यू द डेमो एज वेल। ओके, ये जो प्रोसीजर है हमारी स्किन में जितने भी इम्यूनिटीज जितने भी बैक्टीरिया होता है, जैसे जैसे कार्बन हमारी स्किन से बाहर आता है उसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरिया जितने भी इम्यूनिटीज हैं वो भी बाहर आते हैं। लाइक हमारे टीनेज है, टीनेज के जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं उनमें एंटी मतलब एक्ने बहुत कॉमन होता है, तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है उसकी वजह से ये होता है कि जो हमारी एक्ने होता है इफेक्ट करता है। एक्ने मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया के ही वजह से होती है, तो ये बैक्टीरिया को किल करके उनके पोर्स को श्रिंक करता है साइड में, इसकी वजह से उनकी एक्ने रिड्यूस हो जाती है। और ये जो हमारा मेलानिन होता है उसको भी फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करता है, फिर जो वो मेलानिन होता है हमारी स्किन से शेड होकर निकलता है। लाइक जैसे आपको पता होगा कि हमारी स्किन हर 28 डेज के बाद रिपेयर होती है, इधर थ्रू स्किन शेड होकर निकलता है ब्रेक डाउन होकर, या हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के वजह से ब्रेक डाउन होकर निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके फायदे क्या है। लाइक फीमेल्स को बहुत कंसर्न होती है अपनी स्किन के लिए, बहुत ज्यादा स्किन केयर करती है, मैन भी करते हैं, बट कंपेरिजन टू फीमेल बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं मैन जो अपनी स्किन केयर करते हैं। तो ग्रूम के लिए ये जो हम करेंगे हालो फेशियल, इट विल गिव यू दैट इंस्टेंट ग्लो, द रेडियंस, जो रेडियंस आप अपनी स्किन के लिए देख रहे हैं, हमारे ये कोलेजन प्रोटेक्शन की सिंथेसिस को अच्छा करेगा। सो इट इज गुड फॉर योर एंटी एक्ने एंटी रिंकल एंड एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। और इससे ये होगा कि आपका फेस एकदम क्लीन होगा, क्लियर होगा, आपकी फाइन लाइंस कम होगी। सो हम सब कुछ एक ही प्रोसीजर में कर रहे हैं।